తప్పకుండా ఇంటికొకరి పెన్షన్ ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం ఇవాల నిజామాబాద్ పట్టణంలో 60,000 ఇల్లున్నాయి మనం ఇచ్చే పెన్షన్ 40,000 అంటే దాదాపుగా 20,000 మధ్య తరగతి పెద్ద తరగతి వాళ్ళని వదిలిపెడితే పేదవారందరికీ కూడా ఇంటికి ఒక పెన్షన్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్న విషయం సగర్వంగా నేను ఇవాళ చెప్తాను ఈ సందర్భంగా దయచేసి నిజామాబాద్ ప్రజలకు మీ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకు నేను దేశం విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను మనమేమో పేదవాళ్ళకు పెన్షన్ ఇచ్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్న మన అక్క పిల్లలందరికీ తెలుసు పేదల రేషన్ తో మిని ప్రతాప हर आदमी को 6 किलो देंगे बोलते एक मिनट रहता था अब वो पूरा मिनट निकाल दिए घर में कितने भी लोग हैं उनको जितने भी चावल चाहिए रेशन शॉप से आप ले जा सकते बोलते वो मिनट भी आज निकाल दिए अंदर प्रति कड़क तिना मन उद्देश्य का नरेंद्र मोदी जी आजकल एक नया बात बोलना शुरू कर दिया इस देश में क्या बोल रहे हैं पेंशन नहीं देना गरीबों को रेशन नहीं देना गरीबों को गरा नहीं देना बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं देना शादी मुबारक नहीं देना केसीआर किट नहीं देना क्यों नहीं देना एंटे इवन उचित पथका प्रजल चरवर्तनाट प्रभुत् चरवर्तना अवसर उन्नी कड़पना लेकिन उन्ना की बाग डबूलैंकी पंचपेड़नासारी प्रजल दयचे आलोचे डबूल बागें पंचपेड़ना विवरी मोड़ी गार 10 लक्षल कोूपय बैंक डबूलना मित्र आने मित्र की 10 लक्षल को पंचको अवेमो करेक्ट मनमेमो पेदवा पेंशन इधर यायमेमो दयचे मेरे आलोचित आलोचन का 10 मंदी विषय में दयचे चपाँ के प्रभुत्म कुट्रपूरत चर्च मदलि प्रति ग्रामीण रेपी वाट्सअप यूनर्सी मेसेजलिए मुख्य युवक मन महिला जाग्रत उ आलोचन चुस्काल एनकोटे प्रजा जीत मनंदर तपक आलोचन एमंटे उचित उचित पथका मैं प्रभुत् पेदरक निर्मूलन एट जरवाले पेदवा पेदरक रेट किंदा वाड़ पैक रहा पैक रे एद कार्यक्रम चेयला नि दलित बंधु कार्यक्रम बैठना इंटर की 10 लक्षल रूपये व्यापार बेटी पेदरक रेट दाटी वाल पैको वाल पिल वाल मुं तर बाड़ता पथका एनकोम बड़ी पथका उठक इवन केसीआर गलोचन चेलंगा मंच तेलंगा देश में नंबर 1 कावाले पथका पेटी पथकाल वंदन विषय कुट्र जो दयचे गमन निजामाबाद प्रजलू विज्ञप्ति चाहिए अदे विधा मुनवाक मन अपने निजामाबाद में ये कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो रहे थे निर्मला सीतारामन उन्हें आके दौरा करके गए अच्छी बात है मेहमान आते जाते रहते आना चाहिए घर में भी अच्छा दिखता थोड़ा खुशी भी मिलती हम लोगों को मेहमान आए थे लेकिन उन्हें आए कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हें आके कहाँ रुके रेशन शॉप के पास गए रेशन शॉप के पास गए ठीक है गए तो गए उन्हें लड़ाई शुरू कर दिया कलेक्टर साहब से क्या पूछ रहे कलेक्टर साहब से इस रेशन शॉप में नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है पूछ रहे कभी है तारीख में कभी प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगता रेशन शॉप पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होने दीजिए तो मोदी जी होने दीजिए मनमोहन सिंह जी होने दीजिए वाजपेयी जी होने दीजिए जो भी होने दीजिए कभी तारीख में नहीं लगा रेशन शॉप में प्राइम मिनिस्टर का फोटो उन्हें पूछ रहे फोटो क्यों नहीं है तो हम बोले तो निर्मला सीतारामन जी आप यहाँ तक आए आप इतना बुरा मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है तो जरूर लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का फोटो कहां लगाएंगे सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे यूरिया के बस्ते के ऊपर लगाएंगे जो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे पेट्रोल बंक में बाजते हैं उनका फोटो लगाएंगे हर जगह जहां जहां दाम बढ़ा के लोगों को जितना सता रहे हो आप तेल का दाम बढ़ गया दाल का दाम बढ़ गया इन सबके ऊपर जरूर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दे सुबह उठ के पूजा करके बाहर हम निकलेंगे बराबर जब बिताने का वक्त आते तब उनको बिताएंगे ये बात हमें निर्मला सीतारामन जी को समझाना था इनकी मैट रखता चेद मंत्री राव चिषय पंचायत पेड़ दाख मैं टीवी अमल अकल अभी चूपी पेपर पिल राशर एवं मन आगन पटने प्रयत्न जरूरत मुख्य युवक वाटप तपुर मेसेज इंकोक मेटे वाट्सअप मेसेज
కేసీఆర్ పెన్షన్ ఇస్తుంది బాగానే ఉంది మరి ధరలు పెరిగిన దాని మాట ఉందా ధరలు కేసీఆర్ గారు పెంచినా డీజిల్ ధర కేసీఆర్ గారు పెంచినా పెట్రోల్ ధర కేసీఆర్ గారు పెంచినా అడగాల దేశం ఎక్కడాలి అక్కడ ఎందుకంటే పక్కనే మహారాష్ట్ర ఉన్నది మహారాష్ట్రలో ఏం ధర ఉన్నది డీజిల్ మహారాష్ట్రలో ఏం ధర ఉన్నది నూనె మహారాష్ట్రలో ఏం ధర ఉన్నది పట్టు మనందరం కూడా గమనించుకొని తెలుసుకొని ఈ రాజకీయ కుట్రను తిట్టుకొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే సియాసత్ కరెక్ట్ కరో లేకపోతే నచ్చేసే కరో సియాసత్ లేవంటే బలాయితంలో కరో సియాసత్ సిర్ఫ్ సియాసత్ లో కడితే ఓ బాత్ దిల్ నీర్ అయితే తక్ ప్రమేశంలో కిసీ కా సాత్ నీర్ అయితా ఏ బాత్ సమజనే కి బాత్ హే ఏ సమజి జబ్ వో సమజ్ జాయేంగే और तेलंगाना के लोगों के ऊपर मेरा मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप इनको ये बात अच्छे तरीके से मलबा आने पर समझाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि केसीआर साहब की जो हकीमत है केसीआर साहब की जो सरकार है उनको आपकी दुआओं की जरूरत है केसीआर साहब को आपकी दुआ की जरूरत है क्योंकि आपके दुआ से उनको और कुवत मिलेगी और हिम्मत बढ़ेगी और नेक काम करने का मौका मिलेगा। ये आपके दुआ में चाहती हूँ आपके दुआ हमारे यंग एमएलए साहब के ऊपर भी रहना है क्योंकि उन्हें बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम करके हर किसी एमएलए जो काम कर रहे हैं हमारे तेलंगाना में पूरे निजामाबाद में उनके भी ये डिफरेंट बन के हर एक गली गली में फिर के डेवलपमेंट के वास्ते कोशिश कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। एमएलए साहब के ऊपर भी आपका दुआ रहना है टीआरएस हुकूमत के ऊपर भी आपका दुआ रहना है। बस यही यही बताते हुए आपसे मैं रिक्वेस्ट लेती हूँ थैंक यू जय तेलंगाना जय तेलंगाना।